वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को, जी हाँ गाइस, BSNL और VI दोनों अभी एक हो चुके हैं, पार्टनरशिप कर ली हैं। सो गाइस, वो क्यों किए हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला और हमारे यूजर के लिए क्या क्या अभी बेनिफिट होने वाला है, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अगर इस चैनल पर अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि गाइस, जो अभी वोडाफोन और यहाँ पर आइडिया जो अभी एक हुए हैं, मिलकर काम किए हैं, VI हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी इन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, लेकिन गाइस उतना भी नहीं हुआ, लेकिन गाइस जी हाँ, बेनिफिट हुआ है। लेकिन गाइस, अब यहाँ पर जो Jio होगा और Airtel होगा, उन लोगों का क्या होगा गाइस, जब VI और BSNL मिलकर काम करेंगे। तो देखते हैं गाइस, ये कितने आगे तक जाते हैं और क्या करके दिखाते हैं वोडाफोन और BSNL। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी एक ऑफर चल रहा है, जैसे कि गाइस आप लोग 264 रुपये में आप 28 दिन के लिए नहीं बल्कि 40 दिन के लिए आप यहां पर BSNL में 3 GB पर डे हाई स्पीड के साथ डेटा यूज कर सकते हो, आपको दिया जा रहा है। और गाइस, साथ ही साथ 250 मिनट भी आप लोग को दिया जा रहा है, 250 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट हुआ गाइस अगर इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो। अगर गाइस वही बात करें दूसरे सिम के, जैसे कि Airtel हो गया और Jio हो गया, तो वहाँ पर ये प्लान आप लोगों को देखने को मिलेगा। जानते हैं गाइस आप लोग कितने का मिलेगा, वो 350 के अंदर में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, ये बेस्ट है और ये आप लोग का 250 में ही देखने को मिल जाएगा ये प्लान। तो गाइस, एक चीज़ अभी क्या हो रहा है गाइस, जो Jio है वो 4G है और BSNL है गाइस अभी 3G है। लेकिन गाइस, बहुत ही इसमें बदलाव हो रहा है, तो गाइस ये 4G को भी लगाने की अभी कोशिश कर रहा है। सो दोस्तों, 50,000 साइड पर ये काम करेंगे, VI काम करेगा BSNL के लिए, और गाइस वहाँ पर 4G टावर भी लगाना अभी शुरू हो जाएगा इन लोगों के दोनों के बीच। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा, BSNL का जो ये है गाइस वायरलेस, वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर फैला हुआ है, सारे देश में ये BSNL चलता है। तो इसी के वजह से गाइस अभी 3G है, लेकिन गाइस कुछ समय बाद इसमें बदलाव आएगा तो गाइस ये 4G हो जाएगा। और गाइस जी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि अगर ये दोनों हो जाते हैं तो क्या हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो गाइस, ये मुझे तो बहुत ही अच्छा अपडेट लगा और ये न्यूज़ भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर तीन कंपनियाँ मिलकर एक साथ काम करेंगी, तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा यहाँ पर हो जाएगा इस कंपनी का जो यहाँ पर साइड है। ये बहुत सारे अभी BSNL है, तो गाइस ये पूरे ऑल वर्ल्ड में फैला है। लेकिन गाइस कुछ समय बाद ये जब 4G होगा, जब अभी तो 3G है, लेकिन गाइस जब 4G होगा तो काफ़ी इसके यूजर भी बढ़ जाएंगे। तब तक ये गाइस Airtel और Jio कुछ नहीं रहेंगे, मेरे हिसाब से देखने में यही लग रहा है। तो दोस्तों, यही था, जरूर से कमेंट में नीचे बताइएगा। तो चले गाइस, फिर मिलते हैं कभी अगले अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।